अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं गजरेला, जिसे बनाने के लिए मैंने गाजर ले ली है। गाजर को मैंने इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। 1 किलो मैंने गाजर ली है। ये केवड़ा वाटर लिया है मैंने, या फिर केवड़ा एसेंस भी कह सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर, कटे हुए ड्राई फ्रूट, 1 कप शक्कर लगेगी हमें, और ये मैंने 1/2 कप चावल लिए हैं। चावल को मैंने भिगो कर रखा था, ये सोक किए हुए भिगे हुए चावल है, ठीक है। इसके पानी को मैंने फेंक दिया है। तो अब हम सबसे पहले चावल को पीस लेंगे। जार में हम चावल डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हमें पीस लेना है अच्छे से। 1 लीटर मैंने दूध लिया है। दूध को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। 1 किलो गाजर है तो 1 लीटर उसमें दूध लगेगा। दूध बॉईल हो जाए उसके बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर जो ग्रेट किया हुआ गाजर है वो सारा इसमें डाल देना है हमें। बिल्कुल हाई फ्लेम पर गाजर को आप नहीं डालना है दूध में, वरना दूध आपका फट सकता है, इसलिए फ्लेम को लो करें, फिर गाजर दूध में ऐड करें और इसको जो है स्टर करते रहे। लो फ्लेम पर थोड़ा पकने दे, एक उबाल आने दे इसमें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी नेक्स्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जो चावल हमने पीसे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा चावल नहीं लेना है, वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जो गजरेला हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए 1/2 कप चावल काफ़ी रहेगा। और 1 कप के करीब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है मैंने 1/2 चम्मच, वो भी ऐड कर देंगे। तो देखिए अब इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है। इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया और कवर कर दिया लो फ्लेम पर। इसको आधे घंटे के लिए हम पकने देंगे, ताकि जो गाजर है हमारी वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए इसको पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है और मैंने चेक कर लिया है, गाजर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, फुल कुक हो चुकी है। तो इतनी ही थिकनेस हमको रखना है। 2 बूंद हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 2 बूंद ऐड करना है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। आधे मैंने अभी ऐड किए हैं, आधे मैं गार्निशिंग के वक्त ऐड करूँगी। अब ये मैंने 1 कप फ्रेश क्रीम ली है, इसको हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, उसके बाद हमें इसमें क्रीम को ऐड करना है। तो हमारा गजरेला जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। ये एक डिज़र्ट रेसिपी है जो आप बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है ये। तो देखिए हमारा शाही गजरेला बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही झटपट और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। देखा ही है आपने कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, फुल वीडियो को वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।